आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस सोनपुर में। और अभी मैं इस वीडियो में आप सभी लोगों को डाइट लखीसराय के नोटिस के ऊपर बात करने वाले हैं, जो कि आप सभी लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। वैसे बच्चे जिनका डाइट लखीसराय मिला हुआ है उनके लिए ये तो काफी जरूरी है। साथ ही साथ आपको मैं बता दूं कि जो बच्चे अदर कॉलेज में जिनका अलॉट हुआ है उनके लिए भी जो ये मददगार जो है पीडीएफ साबित होगा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज से आपकी एडमिशन प्रक्रिया शुरू है और सारे कॉलेज अपना नोटिस डालना शुरू कर दिए हैं। अभी मैं आपको डाइट लखीसराय एडमिशन नोटिस जारी हो चुका है। शपथ पत्र फॉर्मेट और एडमिशन फॉर्म पीडीएफ के ऊपर हम बात करेंगे, कैसा आपका पीडीएफ है। और यह पीडीएफ आपको जो है फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस के टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। आप टेलीग्राम पर सर्च कीजिएगा फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस सोनपुर, आपको एक दिखेगा, उसमें क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर आपको जो है ये पीडीएफ जो आपका पीडीएफ है, एडमिशन फॉर्म हो, पीडीएफ हो, शपथ पत्र हो, सारे कुछ आपको वहां पर प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आप लोग टेलीग्राम में जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं लिंक दे दूंगा लेकिन आप लोग सर्च कर लीजिएगा। चलिए मैं बता दूं कि आपको डायट लखीसराय में जो बच्चे एडमिशन हुआ है उनके लिए और अदर बच्चों के लिए काफी मददगार साबित होने वाला है। तो हम सीधे आपको ले चलते हैं पेज के ऊपर जो डायट लखीसराय के द्वारा जो है जारी किया गया है नोटिस। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यह नोटिस जो है जारी किया गया है और ये आपका ऑफिशियल नोटिस है। मैं आपको एक एक चीजों को बड़ी बारीकी से समझाते हुए आगे ले चलूंगा ताकि आपको दिक्कत नहीं होगा। सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले बाबू यहाँ ध्यान दीजिएगा कि कार्यालय जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डायट लखीसराय यहाँ पर कार्यालय आदेश यहाँ पर नोटिस में देखिएगा, डीएलएड सत्र 2024-26 नामांकन हेतु जमा करने के आवश्यक दस्तावेज, यानी कौन कौन से आपको डायट लखीसराय में डॉक्यूमेंट लगेंगे या अदर जितने भी सरकारी कॉलेज में अप्रोक्स आपको यही डॉक्यूमेंट लगते हैं उसका नोटिस दे दिया गया है कि डायट लखीसराय में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पर एक एक करके चीजों को बताता हूँ। यहाँ ध्यान दीजिएगा, पहला आपका है संस्थान में प्रवेश पत्र स्व हस्तलिखित आवेदन पत्र, यानी कि संस्थान में प्रवेश पत्र के लिए जो है हस्तलिखित आवेदन पत्र देना पड़ेगा। एक आपको आवेदन लिखना होगा कि मेरा नाम ये है, मैं इस कॉलेज में एडमिशन लेना, उसलिए आवेदन लिख दीजिए। साथ ही साथ बीएससीबी के द्वारा मतलब कि वेबसाइट पर आवेदन प्रपत्र की कॉपी, यानी आवेदित आवेदक पत्र की कॉपी, यानी जो आपने आवेदन किया था डीएलएड एंट्रेंस के लिए उसका कॉपी, अगर नहीं भी होगा तो एडमिट कार्ड, मार्क्सिट वगैरह कोई भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लिखा हुआ है देखिएगा। द्वारा प्रपत्र अलॉटमेंट लेटर, यानी कि ये जो है ना आपका, ये जो है आपका एडमिट कार्ड की बात कर रहा है, नहीं तो अगर आपका फॉर्म पीडीएफ होगा वो होगा, नहीं तो आपका रिजल्ट भी होगा तो भी चलेगा, ये हो गया। साथ ही साथ ये आपका अलॉटमेंट लेटर है, अलॉटमेंट लेटर है जो आपका मेरिट लिस्ट आया है वो है आपका। फिर आपका डीएलएड प्रवेश पत्र परीक्षा में परीक्षा फल की कॉपी, स्कोर कार्ड, देखिए स्कोर कार्ड आ गया। फिर आपका जो है अनुमंडल पदाधिकारी कार्यालय दंडाधिकारी द्वारा निर्गत शपथ पत्र, देखिएगा शपथ पत्र भी यहाँ पर आपको लगेगा, इसका पीडीएफ मैं देता हूँ, नीचे पीडीएफ है, परेशान नहीं होना है। फिर वहां पर है मैट्रिक का अंक पत्र व प्रमाण पत्र मूल प्रति और इंटरमीडिएट का अंक पत्र और प्रमाण पत्र मूल प्रति, विद्यालय महाविद्यालय द्वारा निर्गत त्याग पत्र जिसको हम एसएलसी या सीएलसी कहते हैं, यहाँ पर 10th का डॉक्यूमेंट, यहाँ पर 12th का डॉक्यूमेंट, सीएलसी अगर आप ग्रेजुएशन पर है तो ग्रेजुएशन का भी देना पड़ेगा, अगर आप 12th पर लेंगे तो 12th का, ग्रेजुएशन पर है तो ग्रेजुएशन का। यहाँ पर देखिएगा जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, अगर ईडब्ल्यूएस वाले हैं तो ईडब्ल्यूएस दीजिएगा 2026-27 यदि लागू हो तो। दिव्यांग प्रमाण पत्र, नामांकन शुल्क आपको जनरल ईबीसी ओबीसी के लिए 11,500 रुपया और पीएचएससी एसटी के लिए 7,000 रुपया, मैंने आपको बताया था 11,500 और मैंने 8,000 बताया था। यहाँ देखिएगा यहाँ पर 7,000 लग रहा है। चयनित नामांकित अभ्यर्थियों द्वारा नामांकन शुल्क जो है एसबीआई कॉलेज के माध्यम से जमा की जाएगी, एसबीआई कॉलेज की तरफ आपको जमा करना है। 4 पासपोर्ट साइज फोटो आपको देना है। ये इतने डॉक्यूमेंट आपको लगने वाले हैं डायट लखीसराय में। कहाँ लगने वाले हैं? तो डायट लखीसराय में इतने आपके डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज है अप्रोक्स आपका ये सब डॉक्यूमेंट लगेगा। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर बोला गया है कि देखिएगा यहाँ पर एक और चीज बोला गया है कि स्नातक प्रमाण पत्र की सीएलसी जमा करने का स्नातक अंक पत्र व प्रमाण पत्र संस्थान में जमा करना अनिवार्य होगा। अगर आप जो है ग्रेजुएशन पर लीजिएगा, अगर आप ग्रेजुएशन पर एडमिशन लीजिएगा तो सीएलसी ग्रेजुएशन का लगेगा और ग्रेजुएशन का आपका मार्कशीट और मूल प्रमाण पत्र सब लगेगा। उक्त सभी दस्तावेज की मूल प्रति और फोटोकॉपी को दो फाइल संबंधित संस्थान में जमा करेंगे। दो को फाइल ले जाना है और सारे डॉक्यूमेंट का दो दो कॉपी ले जाना है, ये हो गया, समझ गए, ये नोटिस जमा किया गया है। अब हम नीचे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं शपथ पत्र का फॉर्मेट है, यहाँ पर देख सकते हैं शपथ पत्र कार्यालय अनुमंडल अधिकारी कार्यालय दंडाधिकारी, यहाँ पर आपको शपथ पत्र है। शपथ पत्र कैसे भरना है वो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर लिखना है मैं अमन कुमार पुत्री, यहाँ पर लिख दीजिए राजकुमार, जो भी है, समझे ना, यहाँ पर सोनपुर अपने गांव का नाम लिखिए,
समझे, सोनपुर जिला सारण लिखिए, फिर यहाँ पर थाना, यहाँ पर सोनपुर लिख दीजिए। पत्रालय, पत्रालय यानी कि आपका जो है यहाँ पर जो शायद ये आपका पत्रालय पोस्ट ऑफिस होगी, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए जो भी हो आपका होगा, समझे ना। पिन कोड लिख दीजिए, पिन कोड इतना हो गया। ये सारी चीज लिखने के बाद आपको जो है नीचे आना है, इसके बाद जो है आपको नीचे आना है, ये सारी जानकारी दी गई है जिसको आपको प्रिंट आउट करवा, इसको जो है कंप्यूटराइज लिखवाना है, कोर्ट में जाकर बनेगा ये, समझे ना। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर आपका नाम हो जाएगा, यहाँ पर आपका सिग्नेचर मोहर वगैरह हो जाएगा जो कि कोर्ट बनाएगा। इसके रिगार्डिंग आप कॉलेज से पूछेगा, आपको बता देगा, कोई भी जिला कोर्ट से जाकर बना सकते हैं, किसी भी वकील को बोलिएगा वो आपको बनाकर दे देंगे, परेशान नहीं होना है। इसके लिए आपको 200 से 300 रुपए लगते हैं, समझ गए। अब ये जो है आपका डायट लखीसराय का जो है क्या है, ये आपका एडमिशन पत्र है, नामांकन हेतु चयनित छात्र का व्यक्तिगत विवरण, यहाँ पर आपको फोटो लेना चिपकाना है, फिर यहाँ पर नाम भरिए, पिता का नाम अंग्रेजी में सबका, ये डिटेल आपको भरना है, ये सारे डिटेल आपको जो है भर कर इसका फोटो कॉपी दो ले लेना है और इसको जमा करना है। देखिए सारे कुछ आपको भरना है, ये सब कुछ भरने के बाद आप जो है एडमिशन आपका हो जाएगा डायट लखीसराय में। बाकी ये जो पीडीएफ है इसको हम टेलीग्राम में, और आपको इस वीडियो के नीचे जो है लिंक मिलेगा टेलीग्राम का, उसमें आप ज्वाइन कर लीजिए, दोनों जगह हम पहुंचा देते हैं, दिक्कत नहीं होगी। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद।